हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन। तो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 चल रहा है हमारा, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। और आज है इसकी कौन सी क्लास? फिफ्थ क्लास। आई होप आपने इससे पहले की चार क्लासेस को अच्छे से पढ़ लिया होगा और पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि जैसे ये सेशन कंप्लीट हो उसके बाद आप वो पहले चार पार्ट अच्छे से देख ले। मुश्किल से एक घंटे के अंदर वो आपके सारे चार पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, नंबर ऑफ पार्ट्स ज्यादा है, लेकिन अगर टोटेलिटी में देखा जाए ना तो चैप्टर 3 घंटे का भी नहीं है। मतलब ये अगर आप 12 बजे बैठो तो 3 बजे तक चैप्टर कंप्लीट, एक दिन के अंदर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, इतनी ताकत है आपके अंदर। तो चलिए बच्चों, कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। तो बच्चों, अभी तक अगर देखा जाए तो ये 5 टॉपिक्स है जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सा? इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट हमारी कौन सी थी अगर आपको याद हो? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव, पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फर्दर 3 थे हमारे, सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ। सोशल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था? सोसाइटी के लिए बेनिफिट क्रिएट करना। पर्सनल ऑब्जेक्टिव के अंदर क्या था हमारा? एम्प्लॉयज की नीड्स को फुलफिल करना, फाइनेंशियल नीड्स, सोशल नीड्स और हायर लेवल नीड्स। फिर हमने पढ़ा था इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, जिसके अंदर हमने 5 इंपॉर्टेंस पढ़ी थी पिछली क्लास के अंदर। पहली हमारी जो इंपॉर्टेंस थी क्या थी? वो ग्रुप गोल्स अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरी हमारी इंपॉर्टेंस थी एफिशिएंसी क्रिएट करने में मदद करता है, इंक्रीज करने में मदद करता है। तीसरा था हमको एक डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन बना देता है। चौथा हमारा क्या था? पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है। और पांचवा हमारा सोसाइटी के डेवलपमेंट में मदद करता है। ये 4th पॉइंट और 5th पॉइंट तो हमने ऑब्जेक्टिव से ही छुराए, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव। और वहां पर हमने क्या लिख दिया? पर्सनल ऑब्जेक्टिव अचीव करने में हेल्प करता है और सोसाइटी के डेवलपमेंट पर काम करता है। तो बड़ा ईजी है, वहां से चुरा के वहां जाके पॉइंट बना दिया। तो बच्चों, ये था अभी तक जो हम पढ़ रखा है। आज जो बच्चों हम स्टार्ट करने वाले वो हमारा टॉपिक नंबर 6, दैट इज लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। और यहां मैं बताऊं तो यहां पर मेरा एक पर्सनल थोड़ा सा दुख है जो मैं अभी आपके संग शेयर करूंगा जब मैं आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट हम पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों देखो, अभी तक हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं और मैं 6th टॉपिक पर जा रहा हूं। तो ये पेज हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये भी हमारा पेज कंप्लीट हो चुका है, ये भी हो चुका है और ये भी हो चुका है। आज हम यहां से स्टार्ट करने वाले हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से स्टार्ट करें। ओके, अब ये क्या है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट? पहले तो जरा ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाँ भाई, ये किस मतलब है, क्या ये टॉपिक, किस क्यों पढ़ रहे हैं हम ये टॉपिक। अब देखो बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन अगर आप देखते हो, आप स्कूल जाते हो ठीक है, या कभी आप पापा के ऑफिस गए होगे तो आपको पता होगा एक सबसे सुप्रीम बॉस होता है। मैं आपको सोलो स्कूल का एग्जाम्पल लेता हूँ। स्कूल के अंदर सबसे हमारे ऊपर वाले कौन होते हैं? हमारे होते हैं प्रिंसिपल। प्रिंसिपल से ऊपर कौन होते हैं? पहले डायरेक्टर, फिर होते हमारे प्रिंसिपल, फिर होते हमारे वाइस प्रिंसिपल, फिर होते हमारे कोऑर्डिनेटर्स, फिर आते हमारे टीचर्स, फिर आते हमारे सपोर्ट स्टाफ जो हमारे लैब असिस्टेंट होते हैं जिनमें अपनी अलग ही एंट होती है, फिर आते हो आप लोग। आपके संग से हमारे सपोर्ट स्टाफ होते हैं, हमारे क्लीनिंग स्टाफ होता है, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारा डिपार्टमेंट होता है स्कूल के अंदर, ऑफिस वगैरह होता है, हाँ है ना। हर एक का अपना अलग अलग काम है, हर एक के पास अलग अलग जिम्मेदारी है, ठीक है ना, ये चीज आपको क्लियर है। ओके, टीचर्स अपना सिलेबस डिसाइड खुद करते हैं, उनको कैसे पढ़ाना है, कौन से पीरियड में कितना पढ़ाना है। जो एचओडीज होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि हाँ भाई, कौन सा टीचर कौन सी क्लास को पढ़ाएगा। कोऑर्डिनेटर्स ये देखते हैं कि हाँ भाई, टीचर्स अपनी क्लासेस में पहुंच रहे कि नहीं पहुंच रहे, टीचर अच्छा पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल ये देखते हैं कि कौन से टीचर को रखना है, कौन से टीचर को नहीं रखना है, स्कूल कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, रिजल्ट कैसे अच्छा करना है। मतलब ये हर एक पोस्ट की अपनी अलग इम्पोर्टेंस है, हर एक पोस्ट के पास अपनी एक अलग पावर है और हर एक पोस्ट की अपनी एक अलग ड्यूटी भी है कि जो उनको फुलफिल करनी है, हाँ ना। किसी के पास ज्यादा पावर है, किसी के पास कम पावर है। कोई किसी को सर बोलता है तो कोई किसी के नाम से लेके पुकारता है, जस्ट बिकॉज कि वो ऊंची पोजीशन पर है, वो नीची पोजीशन पर है, हाँ है ना, ये आप सबको पता होता है, बिल्कुल सही। तो ये जो पोजीशंस होती हैं, या फिर ये कह लो किसी पे ज्यादा पावर है, किसी पे कम पावर है, कोई सीनियर है, कोई सबॉर्डिनेट है, इससे जो एक स्ट्रक्चर क्रिएट होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जिसको हम लेवल ऑफ मैनेजमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। कोई ऊपर लेवल पर है, कोई मिडिल लेवल पर है, कोई लोअर लेवल पर है, या कोई बेसिकली कोई एम्प्लॉई है, बस ये सारे काम। ये आपको चीज समझ में आ रही है? जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं वो पूरे स्कूल को संभालते हैं, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो टीचर्स को संभालते हैं,
हाँ है ना, जो एचओडीज होते हैं वो अपने स्ट्रीम को संभालते हैं, कॉमर्स हो गया, साइंस हो गया, या फिर जो हमारे स्कूल क्लास टीचर होते हैं वो किसी क्लास को संभालते हैं, मतलब हर कोई कुछ ना कुछ संभाल रहा है। हाँ है ना, तो जो सबसे ऊपर सबको संभाल रहा है वो होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट, जो बीच में सब लोगों को संभाल रहा है वो होता है हमारा मिडिल मैनेजमेंट, और जो हमारे टीचर्स वगैरह होते हैं या फिर हमारे जो सुपरवाइजर होते हैं वो होता है हमारा लोअर लेवल मैनेजमेंट। क्या कोई ये चीज समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेवल्स बनते हैं, तो हमको एक एक करके लेवल्स के बारे में पढ़ना है, कितने लेवल्स होते हैं, उनके अंदर कौन कौन सी पोस्ट होती हैं और उनका क्या क्या काम होता है। और ध्यान रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहां से बहुत बार पूछा गया है, मतलब अगर मैं बात करूं पिछले 10 साल की तो 10 साल में 4 बार लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट में से पूछा गया है। तो देखा जाए तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे मेजरली 3 लेवल होते हैं, पहला होता हमारा टॉप लेवल, दूसरा होता हमारा मिडल लेवल, और तीसरा होता हमारा सुपरवाइजरी लेवल, जिसको हम नॉर्मल वर्ड्स में क्या बोल देते हैं, लोअर लेवल बोल देते हैं, लेकिन लेकिन अगर एनसीईआरटी की बात करूं तो एनसीईआरटी में इसका नाम सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट बोला गया है। तो टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट या फिर सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट, हमारे 3 लेवल होते हैं मैनेजमेंट के। तो एक एक करके तीनों को डिस्कस करते हैं। तो पहला कौन सा मैनेजमेंट है हमारा? टॉप मैनेजमेंट, लिख लो बच्चों टॉप मैनेजमेंट। तो टॉप मैनेजमेंट में क्या लिखा हुआ? दे कंसिस्ट ऑफ सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव, सीनियर मोस्ट, जो भी ऑर्गेनाइजेशन के सबसे ऊपर होते हैं ना, चाहे वो किसी भी नाम से कहलाए, वो होता है हमारा टॉप मैनेजमेंट। कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं उस पोस्ट के नाम के, जैसे कोई चेयरमैन हो, कोई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हो, कोई चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हो, चीफ फाइनेंस ऑफिसर हो, प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग हो, मतलब जहां पर भी चीफ वर्ड लिख जाए वो टॉप मैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है, मतलब ये कि ये सबसे ऊपर वाले व्यक्ति हैं। ये आपको चीज समझ में आ रही है? ओके, अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है जरा ये समझने की कोशिश करते हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि रेखा के पापा है ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के ना वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट पर थे, तो बताइए वो कौन से मैनेजमेंट का पार्ट है और उसके कुछ फंक्शन बताइए। तो आपको पता लगाना पड़ेगा कि हाँ भाई वाइस प्रेसिडेंट वाले कौन थे, तो आपको बताना पड़ेगा ये टॉप मैनेजमेंट है, ठीक है? तो रेखा के पापा टॉप मैनेजमेंट में थे, और बताओ फिर टॉप मैनेजमेंट के फंक्शन बताओ। तो अगर आपने ये आइडेंटिफाई सही कर लिया कि कौन से मैनेजमेंट के पार्ट है वो, तो आप उसके फंक्शन आराम से लिख पाओगे। और अगर आपने गलती से मैनेजमेंट ही गलत चूज कर लिया तो वहां आपके मार्क्स पूरे कटे डट हो जाएंगे, ठीक है? तो इस चीज का वो ध्यान रखना है। तो टॉप मैनेजमेंट के अंदर सीनियर मोस्ट एग्जीक्यूटिव्स आते हैं, जैसे चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारी पोस्ट वाले लोग आते हैं। अब देखते हैं कि उनका काम क्या होता है। तो सबसे पहला काम जो उनका होता है वो होता है ऑर्गेनाइजेशनल के लिए गोल्स बनाना और उनको कैसे अचीव करना, उनके लिए स्ट्रेटेजीज बनाना, टू फॉर्मुलेट ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड स्ट्रेटेजीज फॉर देयर अचीवमेंट। तो पहला काम क्या है टॉप मैनेजमेंट का, कि आपके गोल्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपके टारगेट्स होंगे और कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज फॉलो करें जिससे हमारे टारगेट्स कंप्लीट हो पाए। पहला क्लियर हो गया, बहुत ही बेसिक, इसको तो याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं। अपने आपको ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मैनेजमेंट मान लो, मैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हूं मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो मेरा काम क्या होगा? अपने आपको बस उस पोस्ट में बैठाओ और आंसर लिखना चालू कर दो, आप 80 में से 80 ले आओगे, ठीक है? मतलब कहने मतलब है कि आप 100% एक्यूरेट उसका आंसर दे दोगे। सेकेंड, जो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन होता है टॉप मैनेजमेंट का, वो क्या है? दीज टॉप लेवल मैनेजर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन को टिकाकर चलना, सर्वाइव कराना, ग्रोथ कराना, और प्लस उसकी भलाई की जिम्मेदारी किसकी होती है? टॉप मैनेजमेंट की होती है। मिडिल लेवल, लोअर लेवल तो बस वो ही देखेगा कि हाँ भाई जो बॉस बोलेगा आप वो करेंगे। तो टॉप लेवल की मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए उसको कैसे सर्वाइव कराना है, उसको कैसे प्रॉफिट कमाना है, कैसे ग्रो कराना है, वो टॉप मैनेजमेंट देखेगा। पहला गोल्स और स्ट्रेटेजीज बनाना, दूसरा वेलफेयर और सर्वाइवल देखना, तीसरा दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। तो टॉप मैनेजमेंट किस चीज के लिए जिम्मेदार होगा? जो भी सोसाइटी पर कंपनी का इम्पैक्ट पड़ेगा उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार होगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप मान के चलो कोई खाने की कंपनी हो, और खाने की कंपनी में क्या हुआ, कुछ जो हमारे कस्टमर थे वो बीमार पड़ गए और उन्होंने कंपनी पर केस कर दिया। तो कंपनी पर केस किया तो जिम्मेदार कौन ठहराया जाएगा? वो इम्प्लॉय जिन्होंने प्रोडक्ट बनाया, या फिर आप जो ओनर हो?
आप जो ओनर हो वो जिम्मेदार माने जाओगे उस डिफेक्ट के लिए या फिर लोगों के बीमार पड़ने के लिए। तो इस चीज का ध्यान रखना। वही यहाँ पे लिखी हुई है दैट टॉप मैनेजमेंट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस एंड फॉर इट्स इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी। अगर बच्चे बीमार पड़ते हैं तो टॉप मैनेजमेंट जिम्मेदार माना जाएगा, ना कि वो इम्प्लॉय। समझ में आया ये चीज? ओके। फोर्थ, दे एनालाइज द बिजनेस एनवायरमेंट एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर द सर्वाइवल ऑफ द फर्म। फोर्थ पॉइंट अच्छा है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि आपके आसपास जो भी चल रहा है उसको एनालाइज करने की जिम्मेदारी किसकी है? टॉप मैनेजमेंट की है। और उससे आपके बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, आपका बिजनेस चल पाएगा नहीं चल पाएगा, उसकी जिम्मेदारी भी किसकी है? आपकी है। जैसे कोविड आया तो स्कूल को चलाना कैसे है, उसकी जिम्मेदारी होगी आपके प्रिंसिपल की, आपके ट्रस्टीज की। टीचर की जिम्मेदारी नहीं है, टीचर को तो वो देखेगा ना, जो प्रिंसिपल बोलेगा वो करेगा। तो एज अ प्रिंसिपल, एज अ डायरेक्टर ऑफ अ स्कूल, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप ये देखिए कि आपके आसपास क्या हो रहा है, एनवायरमेंट कैसा चल रहा है, और उस हिसाब से आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को सर्वाइव कैसे करा पाओगे। और एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी आपको यही देखना है कि आपके कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या हो रही है, टेक्नोलॉजी किस तरीके से बदल रही है, जिससे आप उसको एडॉप्ट कर पाओ और अपने ऑर्गेनाइजेशन को टिका पाओ। आया समझ में? क्लियर? ओके। फिफ्थ पॉइंट क्या दे रखा है, जो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो क्या है? द बेसिक टास्क इज टू इंटीग्रेट डाइवर्स एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेट्स द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स अकॉर्डिंग टू द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब ये कि आप सबसे टॉप लेवल पर हो, आप सबसे कम कंपनी के मालिक टाइप लोग हो, और आपको पता है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काफी सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। कई फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, एचआर डिपार्टमेंट होता है। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। यहाँ पे की वर्ड क्या लिखा हुआ है? कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। एक चीज का ध्यान रखना, आपको सारे डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करके बिठाकर चलना है, जिससे आपकी जो गोल्स हो वो अचीव हो पाए। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कह रहा हूं। क्लियर? कोई भी डाउट इसमें? एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल, आपको ये ध्यान में रखना है कि सारे टीचर्स आपस में कोऑर्डिनेटेड हो। आपके टाइम टेबल कुछ इस तरीके से बनाओ कि टीचर यहां से जाए दूसरी क्लास में जाए, वो वहां से निकले वहां पर जाए, सिलेबस इस तरीके से कंप्लीट होगी, बच्चा अच्छे से कंप्लीट कर पाए, और हमारे जो एग्जाम है वो अच्छे से कंडक्ट हो पाए। क्लियर? तो यू हैव टू कोऑर्डिनेट द डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इन ऑर्डर टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? और लास्ट में उन्होंने क्या लिखा हुआ है? द जॉब ऑफ अ टॉप मैनेजर इज कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेसफुल, डिमांडिंग लॉन्ग आवर्स एंड कमिटमेंट। तो मतलब बहुत मेहनत वाला काम है, इन शॉर्ट। क्लियर? ओके। तो फटाफट से टॉप लेवल को एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने इसके पांच फंक्शंस पढ़े, और पांच फंक्शंस में क्या है? पहला, गोल्स और स्ट्रेटेजीज बनाएगा कौन? टॉप मैनेजमेंट। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर और सर्वाइवल के लिए जिम्मेदार होगा। तीसरा, सोसाइटी पर जो भी इम्पैक्ट पड़ेगा इसके लिए भी जिम्मेदार होगा। फोर्थ, बिजनेस एनवायरमेंट को देखेगा समझेगा, जो भी उस पर इम्पैक्ट आएगा वो उस पर जिम्मेदार होगा। और सारी एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने का काम किसका है? टॉप मैनेजमेंट का है। क्लियर? कोई भी डाउट इसके अंदर? ओके। तो ये था हमारा टॉप मैनेजमेंट। अब बात करते हैं बच्चों मिडिल मैनेजमेंट के बारे में। मिडिल मैनेजमेंट क्या? तो मतलब मिडिल मैनेजमेंट मतलब टॉप से नीचे, लोअर से या फिर सुपरवाइजरी से ऊपर, मतलब बिचौलिए जिसे कहते हैं, उसको हम बोलते हैं मिडिल मैनेजमेंट। ठीक है, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। मिडिल मैनेजमेंट इज द लिंक बिटवीन टॉप एंड लोअर लेवल मैनेजर्स। बहुत बेसिक सी बात बोली थी जो हमने बताया था। जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं स्कूल के अंदर, जो कोऑर्डिनेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? प्रिंसिपल से नीचे होते हैं, टीचर से ऊपर होते हैं। तो इन दोनों के बीच का लिंक कौन होता है? मिडिल मैनेजमेंट होता है, मतलब हमारे कोऑर्डिनेटर्स होते हैं। दे आर सबॉर्डिनेट्स टू टॉप मैनेजर्स एंड सुपीरियर टू फर्स्ट लाइन मैनेजर्स। देखो वो टाइम पास बोलिए, टॉप से नीचे है उनसे ऊपर है। ठीक है, दे आर यूजली नोन एज डिवीजन हेड्स। डिवीजन के हेड होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल है प्रोडक्शन मैनेजर, प्लांट सुपरिटेंडेंट, किसी भी तरीके का मैनेजर आपका मिडिल लेवल पर आता है। चाहे प्रोडक्शन मैनेजर हो, चाहे मार्केटिंग मैनेजर हो, चाहे परचेज मैनेजर हो, चाहे फाइनेंस मैनेजर हो, चाहे किसी भी तरीके का मैनेजर हो, और प्लांट सुपरिटेंडेंट आपका ये मिडिल लेवल के अंदर आता है। क्लियर? किसके अंदर आता है? मिडिल लेवल के अंदर आता है। मेरे संग ये हुआ था, सर ने हमारे, जब मैं 12th में था, मेरा फर्स्ट टर्म का पेपर था, और क्वेश्चन आया था कि मिस्टर एक्स एज अ प्लांट सुपरिटेंडेंट काम कर रहे हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बताइए वो कौन से लेवल पर है और उनके फंक्शंस बताइए।
मैंने गलती से लिख दिया लोअर लेवल और मैंने लोअर लेवल के फंक्शंस लिख डाले। सर ने मुझे दिया जीरो और सर ने मेरे को बताया बेटा प्लांट सुपरिंटेंडेंट मिडिल लेवल पर आता है, आपको मिडिल लेवल के क्वेश्चन लिखने थे। मैंने बोला सर मैंने सुपरवाइजर को सही तो समझाया, आधा एक नंबर दो नंबर तो दो। तो सर ने बोला बेटा तूने आंसर ही गलत लिखा है तो तेरे को कहां से नंबर दे दूंगा। तो ध्यान रखना वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आपने टॉप का मिडिल कर दिया, मिडिल का टॉप कर दिया तो पूरे नंबर कट जाएंगे भले आपका आंसर पूरा सही क्यों ना हो। तो जो आपका आंसर था आपको वही लिखना पड़ेगा। क्लियर? ओके आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ फंक्शन है बच्चों, वो एक बार अच्छे से रीड कर लेते हैं। बाकी ये पैराग्राफ उन्होंने टाइम पास के लिए दे रखा है, वही जो नीचे फंक्शन दे रखे ना वही उन्होंने पैराग्राफ में दे रखा है। दो मैं रीड करवा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? मिडल मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान्स दैट एंड स्ट्रेटजीज दैट आर डेवलप्ड बाय टॉप मैनेजमेंट। मतलब ये टॉप मैनेजमेंट का काम है गोल्स बताना और स्ट्रेटजीज डिसाइड करना, लेकिन मिडल लेवल मैनेजमेंट का काम होता है उसको इंप्लीमेंट करवाना। ठीक है ना, बॉस खुद आके काम नहीं करता है, वो अपने मैनेजर्स के थ्रू काम करवाता है। तो उसको इंप्लीमेंट करवाना, वो काम ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, आपको कंट्रोल करवाना और स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करवाना किसका काम होता है? मिडिल लेवल का काम होता है। ठीक है, इसके अलावा वो अपने जूनियर्स मैनेजर के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मतलब ये कि अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टीचर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, प्रिंसिपल टीचर से नहीं पूछता, कोऑर्डिनेटर से पूछता है। वो कोऑर्डिनेटर को बोलता है तुम क्या कर रहे थे जब वो पढ़ा नहीं रहे थे। तो समझ में आ रही है चीज? तो प्रिंसिपल जो होते हैं वो कोऑर्डिनेटर को पूछते हैं। तो कोऑर्डिनेटर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द वर्क्स दैट हैव डन बाय द टीचर्स। या कुछ चीज क्लियर हो गया? तो टीचर के काम के लिए जिम्मेदार कौन है? कोऑर्डिनेटर। ओके, और द मेन टास्क इज टू कैरी आउट प्लान्स बाय द टॉप मैनेजर्स। मतलब ये फिर से वही बात रिपीट कर दिए, जो हमारे मिडिल वाले काम होते हैं उनका काम होता है जो टॉप लेवल ने डिसाइड कर लिया वो आगे इम्प्लीमेंट कराना। अब उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है? उन्होंने कुछ पांच छह फंक्शन दे रखे हैं, वो एक बार अच्छे से देख लेते हैं। छह फंक्शन दे रखे हैं। पहला, इंटरप्रेट द पॉलिसीज फ्रेम बाय द टॉप मैनेजमेंट। टॉप मैनेजमेंट ने जो पॉलिसीज बनाई हैं उनको लोअर लेवल को इजी भाषा में समझाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? मिडिल वालों की जिम्मेदारी है। दूसरा, एंश्योर दैट देयर डिपार्टमेंट हैज नेसेसरी पर्सनल। ठीक है, आपको यह भी ध्यान रखना है कि मिडिल लेवल पर आप डिपार्टमेंट के हेड होते हो, डिवीजन हेड होते हो, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि आपके डिपार्टमेंट में उतने लोग हो जितनी जरूरत हो, कम ना हो ज्यादा ना हो। तो ध्यान रखना नेसेसरी एम्प्लॉयज होने चाहिए जो आपको काम करने के लिए सफिशिएंट चाहिए। आपको 10 लोग चाहिए, आपके डिपार्टमेंट में 4 लोग हैं, तो भैया आपको और लोगों को नौकरी देनी पड़ेगी और लोगों को टीम में लाना पड़ेगा। तो ये किसकी जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी है कि आप ये ध्यान रखो कि आपके डिपार्टमेंट में लोग हो। उनको ड्यूटीज देना, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी देने की जिम्मेदारी भी किसकी है? आप ही की है, क्योंकि आप हेड हो। समझ में आ रहा है ना? आप बताओगे भैया ये काम करना है, ये काम शाम तक चाहिए, ये काम परसों तक चाहिए, तो जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। तो पहला, टॉप मैनेजमेंट जो पॉलिसीज बनाता है वो उनको इंटरप्रेट करके समझाना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके डिपार्टमेंट में उतने लोग हो जितने जरूरी हो। इसके अलावा उनको ड्यूटीज उनको असाइन करना, ये भी आपकी जिम्मेदारी है। उनको मोटिवेट करना जिससे वो ऑब्जेक्टिव अचीव कर पाए, वो भी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है बेटा, आपकी है। मैनेजर बनना इतना आसान नहीं है, हालत खराब हो जाती है। फिफ्थ, कोऑपरेट विद अदर डिपार्टमेंट्स। टॉप लेवल में पढ़ाता कोऑर्डिनेट करवाना है, मिडिल लेवल में आप एक दूसरे से कोऑपरेट करते हो। समझ में आ रहा है ना? फाइनेंस डिपार्टमेंट मार्केटिंग डिपार्टमेंट से कोऑपरेट करके काम करेगा। ध्यान रखना यहाँ पे कीवर्ड है कोऑपरेट। टॉप मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट करवाता है, मिडिल वाला आपस में कोऑपरेट करता है। तो आपको एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना है जिससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली फंक्शन करे। क्लियर? और लास्ट पॉइंट ऊपर वाले लाइन को रिपीट करके लिख दिया है कि वो फर्स्ट लाइन मैनेजर्स के काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसमें कुछ अलग सी बात नहीं बोली है। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा कौन सा? मिडिल मैनेजमेंट। आई होप बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों बात करते हैं तीसरे और आखिरी लेवल के मैनेजमेंट में, और वो उसका नाम क्या है? सुपरवाइजरी और ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसको 90% बच्चे लोअर लेवल बोल देते हैं, जो कि गलत है। आप उसको क्या लिखोगे एग्जाम में? सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट। इसके अंदर कौन कौन आते हैं? आपके फोरमैन आते हैं और आपके सुपरवाइजर्स आते हैं। मतलब फोरमैन भी एक तरीके से जो नजर रखते हैं वो लोग, सुपरवाइजर्स तो ऑब्वियस ही बात है नजर ही रखते हैं। ठीक है, तो ये मेन कैटेगरी होती है जो आपके किस लेवल पर आते हैं, आपके सुपरवाइजरी या फिर ऑपरेशनल मैनेजमेंट में आती है। टॉप में चीफ आते हैं सारे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, चीफ वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट,
मिडिल लेवल के अंदर सारे मैनेजर्स और प्लांट सुपरिंटेंडेंट आता है, और सुपरवाइजरी के अंदर फोरमैन और सुपरवाइजर आते हैं। अब इनका क्या क्या काम होता है डायरेक्टली वो पढ़ेंगे और टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। पहला, सुपरवाइजर डायरेक्टली ओवरसी द एफर्ट्स ऑफ वर्कफोर्स। मतलब ये जो एक्चुअल में जो हमारे लोग काम करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसका काम डायरेक्टली कौन देखता है? सुपरवाइजर्स देखते हैं, ना मैनेजर्स देखते हैं, ना हमारे जो मुकेश अंबानी है वो देखता है। कौन देखता है? सुपरवाइजर, उनके डायरेक्टली उनसे डील करता है। देयर अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज लिमिटेड, ठीक है ना। सुपरवाइजर्स के पास अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं होती है। क्यों अथॉरिटी नहीं होती? क्योंकि टॉप मैनेजमेंट ने अनलिमिटेड अथॉरिटी नहीं दे रखी है, उनको उतना ही काम करना है जितना उनसे बोला गया है। तो सुपरवाइजर उतना ही काम करेगा जितना उनका ऊपर वाला मतलब मिडिल मैनेजमेंट उनको बताएगा। सुपरवाइजरी मैनेजमेंट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्कफोर्स एंड पास ऑन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द मिडिल मैनेजमेंट। जैसे मिडिल मैनेजमेंट करता क्या करता है? टॉप की बातें ऑपरेशनल को बताता है, तो वैसे ऑपरेशनल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल की बातें वर्कफोर्स को बताता है। तो मतलब वो भी एक तरीके का क्या है, लिंक है बिटवीन मिडिल मैनेजमेंट एंड एक्चुअल वर्कफोर्स। क्लियर? ओके, तो सारे इंस्ट्रक्शन वो पास ऑन करता है। फोर्थ पॉइंट क्या दे रखा है? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम हो रहा है उसका जो एक्चुअल में काम हो रहा है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? सुपरवाइजर। कैसे लिखा हुआ है? थ्रू देयर एफर्ट्स क्वालिटी ऑफ आउटपुट इज मेंटेन, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज मिनिमाइज एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन। मतलब एम्प्लॉयज की सेफ्टी, काम ठीक से हो रहा है कि नहीं हो रहा, वेस्टेज कम से कम को कम कम करवाना, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सुपरवाइजर्स की ही जिम्मेदारी है। और ये करने के लिए क्या लगेगा? हार्डवर्क लगेगा, डिसिप्लिन लगेगा, लॉयल्टी लगेगी। ध्यान रखना, कोई डिसलॉयल है, कोई डिसिप्लिन से काम नहीं कर रहा है या कोई हार्डवर्क नहीं कर रहा है तो वेस्टेज भी ज्यादा होगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान नहीं रखा जाएगा, क्वालिटी भी बेकार हो जाएगी। तो ये हमारे सुपरवाइजर की जिम्मेदारी है कि क्वालिटी मेंटेन रखना, वेस्टेज को कम करवाना और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का ध्यान रखना। क्लियर? ओके, आगे क्या दे रखा है? सुपरवाइजर किसके लिए जिम्मेदार है कि हाँ भाई काम जैसा बोला गया था हमारे टारगेट्स को अचीव करने के लिए वैसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और उसके लिए वो हमारे वर्कफोर्स को मोटिवेट भी करता है। ये तो बेसिक सी चीज थी, बस ये देख रहा है कि हाँ भाई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सिक्स पॉइंट क्या दे रखा है? हमारे एम्प्लॉयज को वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराता है। हमारे जो भी वर्कर्स होते हैं, हमारे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं, उनको ट्रेनिंग कौन देता है कि काम कैसे होना है, कब क्या होना है, पहला स्टेप क्या होगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, आखिरी स्टेप क्या होगा, ये सारा जो भी काम धाम है कौन समझाता है? हमारा सुपरवाइजर समझाता है। क्लियर? ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? कि काम करते करते सिखाना कि कैसा काम करना है, जॉब पर सिखाना, ऑन द जॉब मतलब काम करते हुए सिखाना कि कैसे काम एक्चुअल में करना है। क्लियर? और लास्ट उन्होंने क्या दे रखा है? अ गुड सुपरवाइजर एनालाइज द वर्क परफॉर्म एंड गिव्स फीडबैक ही वेज एंड मींस फॉर डेवलपिंग वर्क स्किल्स। मतलब ये वो एम्प्लॉयज के काम को देखता है, परखता है और उन्हें फीडबैक देता है कि काम आपने अच्छा किया है कि बुरा किया है। उनको ये भी सिखाता है कि कैसे आप अपने काम को इम्प्रूव कर सकते हो। क्लियर? तो बच्चों ये था हमारा टॉपिक किसके ऊपर? लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। एक बार हम फटाफट से सुपरवाइजरी को रिवाइज कर लेते हैं, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। हमारे वर्कफोर्स के एफर्ट्स को डायरेक्टली देखता है, उनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिमिटेड होती है, सेकंड पॉइंट हो गया। तीसरा, ये मिडिल लेवल के जो भी इंस्ट्रक्शन है वो पास ऑन करता है। फोर्थ, क्वालिटी, वेस्टेज और लॉयल्टी इस पर ध्यान रखता है, सेफ्टी स्टैंडर्ड को ध्यान में रखता है, काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है इस चीज को इंश्योर करता है, ट्रेनिंग वगैरह देता है और उनको फीडबैक वगैरह देता है। तो बच्चों ये थे हमारे क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल। क्लियर? तो चलिए बच्चों आपसे मुलाकात करेंगे अगले सेशन के अंदर, तब तक आप ये सारे टॉपिक्स को रिवाइज करके रखिएगा। क्लियर? ओके, तो तब तक के लिए आपसे मैं लेता हूं विदा हाथ जोड़ के। प्लस आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, लेक्चर समझ में आ रहा है तो, और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।